जा रहे थे तरीके से, तो हमने डिसाइड किया कि कुछ हम लोग मीठे में या चाय के लिए चीज़ ले लेते हैं। चमन पे चाय पीने हम लोग निकले थे, तो फाइनल अभी हमने किया है कि हम लोग क्या ले रही हो भाई, क्रीम रोल नहीं है? नमकीन ही ले रहे हैं। हाँ, इनमें से ले लो, ये ले रही हो। अच्छा, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। अभी हमने कसम चाय पीने निकले थे और हमारा प्लान था कि हम कुछ जल्दी से खा लें, तो चाय चमन से पीने का प्लान बना था, लेकिन उससे पहले ही दो तीन दफ़ा हमें रुकना पड़ गया। रात पे हम लोग गए, वहाँ से हम लोगों को क्रीम रोल नहीं मिले थे, तो बस हमने आखिर में समोसियाँ ले ली। और अब क्या ढूँढ रही हो? कौन सी वाली? अब बस आइसक्रीम अपनी अपनी डिसाइड कर रहे हैं, कौन सी लोगे? मेरी अगर छोटी है इसमें तो लेना, एक फुल चॉकलेट। नहीं 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 खाऊंगी मैं। और बस ये दो ले लो, फुल चॉकलेट में तो कोई भी नहीं है। बस फिर उसकी भी यही ले लो, बस काफ़ी। तीनों की पूरी है ना? एक एक। मिल गई यार, जल्दी भी करो। फाइनली कितने टाइम बाद हमने ये शॉपिंग की है। अभी भाई जान बहुत मुश्किल है भाई, आज हम पहुंच सकें अपनी डेस्टिनेशन पे। बहुत दफ़ा रुकना जब आपके साथ बहुत ही मेंटली अनस्टेबल लोग हों, तो व्लॉग बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। ये अलिया था। हम लोग ऑलमोस्ट चमन पहुंच ही गए हैं, रास्ते में ये एरिया आ रहा था, मैंने कहा मैं आपको चेक कराती हूँ। ये यहाँ पे नई चीज बनी है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर में चेक कराती हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, बट इट्स ओके। कितना प्यारा व्यू लग रहा है, वो मोटरवे है बलकेसर इंटरचेंज, ये वाली जगह। फाइनली हम चमन पे पहुँच गए हैं आखिरकार, और बस यहाँ पे ये बहुत खुली सी वैसे जगह है, बाकी तो इतनी प्रोडक्टिव नहीं है। सिर्फ ये वाली जगह जो है यहाँ पे खाना पीना वगैरह है, और यहाँ पर हम लोग आगे अभी जा रहे हैं, आगे चलो तो, और थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने। भाई ये कैरी टब है? नहीं, कैरी भी नहीं लग रहा। अच्छा, वो वाला जो था अभी पता नहीं इन लोगों ने क्यों चेहरे भी अपनी बदला दी हैं, ऐसे इस होटल पे आके बहुत ही देसी वाइब। हम लोग मैरिज हॉल में आ गए। अच्छा, ये फैमिली वाला एरिया है, पहले यहाँ पर भी फैमिली हुआ करती थी पीछे, बल्कि बिल्कुल ही खाली होता था, अब इन्होंने यहाँ पर भी जेंट्स घुसा दिए हैं। और बस अभी हम इन शादी हॉल जैसी चेयर्स पर बैठने लगे हैं। जगह मर्जी चले जाए भाई जान, आपकी जान नहीं छुट्टी गेंद बच्चों से। और बस हम घर से तो खाना खा के निकले थे, कोई ख़ास भूख भी नहीं लगी हुई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसे थोड़ी थोड़ी भूख महसूस हुई है, तो हम लोगों ने इनकी शाही दाल मंगवाई है और साथ हम लोगों ने इनकी रोटी मंगवाई है। वैसे इतनी अच्छी लग तो नहीं रही, अभी टेस्ट करके देखने कैसी है। ये जो सामने है ये इनका फैमिली हॉल है, ठीक है, फैमिली साइड से ही निकलता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस होटल को क्या मसला हो गया। स्टार्ट में बहुत अच्छा था,
अब ये कैसे गटमट हो गई है देखें, जैसे इस साइड पर सारे मेल पोर्शन है और फीमेल साइड के इस साइड से भी ना मेल पोर्शन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर बीजत का जैसे जान दिल कर रहा है, घूम फिर रहा है। लोग ऐसे भी होते हैं जो घर से और इवन ऑर्डर करने तक कह रहे होते हैं, नहीं क्या खा रहे हो, घर से जो खा के आए हो क्यों मंगवा रहे हो, कितना खाते हो। और कुछ फिर नदीदे लोग रस्ते में सारी चीज़ें खाने के बाद भी आप कैसा खा रहे हैं, कैसी है वैसे जल्दी बताना मज़े की, किस चीज़ का ज़्यादा लायक है। अच्छा मैं भी ट्राई करती हूँ, काली मिर्ची नहीं पता नहीं, जब भी वीडियो बनाते हुए मेरे पास कोई चीज़ आती नहीं उस दिन आइसक्रीम। अच्छा वैसे काली मिर्चों का जायका ज़्यादा है ना, जखनी में शायद बना हुआ है। बस जी अब हम वापस जा रहे हैं, अंधेरा हो गया, चाय शाय पी लिए और अब हम सोच रहे हैं कि पता नहीं घर जाएंगे डायरेक्ट या किसी और जगह जाएंगे। मौसम इतना अच्छा हुआ है आज तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है। वो सामने हॉल है, शायद मैंने ये बात पहले बताई है कि पता नहीं बताई, ये फैमिली हॉल है लेकिन वहाँ पे वैसे कम लोग ही होते हैं, यहाँ पे हॉल की कोई ख़ास अच्छी हालत है नहीं और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है। और इस साइड पे खैर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यहाँ से अब हम वापस जाएंगे उतर के और उस साइड पे वैसे मेन जगह ये चमन सदा बहार। बस अब वापसी के लिए हम निकलने लगे हैं।